हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को लेडीज़ कोटा के बारे में बात करने वाला है कि आजकल के डेट में अभी भी बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं या बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो लेडीज़ कोटा के बारे में नहीं जानते हैं। जो कि लेडीज़ कोटा का जो उस कोटा होता है, मतलब अक्सर सभी ट्रेनों में होती है, और वो लेडीज़ कोटा से आप कन्फर्म बर्थ भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मैं बहुत बार ऐसा देखा हूँ कि अगर आप कल परसों या दो दिन तीन दिन चार दिन बाद भी ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, अगर आप लेडीज़ कोटा से टिकट बुकिंग करते हैं लेडीज़ लोकल के लिए, महिलाओं के लिए, तो आपको कन्फर्म सीट मिल जाता है। लेकिन अक्सर बहुत बार ऐसे देखे हैं कि लोग सोचते हैं कि हमारे साथ तो महिलाएं ट्रेन में सफ़र करेगी तो हम अपना टिकट कैसे बुकिंग करें, हम लोगों को एक साथ नहीं जाना है। तो आप जब जनरल कोटा से टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप लेडीज़ कोटा से आपके साथ में जो भी महिला एक दो तीन जो भी महिलाएं जाने वाली होती है, आप उनका कन्फर्म टिकट अपने आप से अगर मोबाइल से बुकिंग कर सकते हैं तो मोबाइल से, नहीं तो आप जाकर खिड़की से आप महिलाओं के लिए लेडीज़ कोटा से एक सीट बुकिंग करवा लीजिए कन्फर्म, और अपने के लिए खुद एक वेटिंग टिकट अब लेके आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप लेडीज़ कोटा का टिकट कैसे बुकिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप ओपन कर लेना है। इसके बाद आप फ्रॉम और टू जहाँ से जहाँ तक आप जाने वाले हैं वहाँ तक आप सिलेक्ट करके आप जनरल कोटा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोटा जनरल दिखा रहा है, और डेट आप जिस भी डेट में सफ़र करिएगा उस डेट में, सबसे पहले मैं आपको जनरल कोटा सिलेक्ट करके आपको मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 4 अगस्त को जनरल कोटा से मैं सर्च किया हूँ लोकमान्य तिलक मतलब से लेके मुगल सराय तक DDU तक। तो कलकत्ता एक्सप्रेस आप देख पा रहे हैं स्लीपर क्लास में मैं टच किया, तो इसमें देखिए 4 अगस्त को वेटिंग लिस्ट 8, 5 अगस्त को 16 और 6 अगस्त को 9, ठीक है। बाद में देखिए सारा वेटिंग ही चल रहा है। इसके बाद एक नीचे मतलब ट्रेन है उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी वेटिंग लिस्ट ही चल रहा है, ठीक है, 6 तारीख तक। अब इसमें देखिए लोकमान्य तिलक पटना एक्सप्रेस में ये इसमें आपका अवेलेबल है जनरल कोटा से, ठीक। ये देखिए आपको लोकमान्य तिलक रांची एक्सप्रेस जो कि शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जनरल कोटा से दिखा दिया कि अभी वेटिंग ही चल रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जनरल कोटा से अगर कभी भी वेटिंग शो होता है तो आपको एक बार लेडीज़ कोटा जो कि आप देख रहे हैं जनरल कोटा के नीचे में लेडीज़ कोटा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जिस भी डेट में आप सफ़र करने वाले उस डेट में आपको सिलेक्ट सर्च ट्रेन कर लेना है। इसके बाद जैसे कि कलकत्ता मेल में आप देखे थे कि वेटिंग लिस्ट चल रहा था, ये देखिए आपको लेडीज़ कोटा से आपको सीट अवेलेबल हो रहा है। देखिए 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, मतलब 8 तारीख, 9 तारीख तक अवेलेबल दिखा रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि एक ट्रेन में एक डेट पे 6 सीट अवेलेबल होता है लेडीज़ कोटा से, ठीक है। लेडीज़ कोटा में 6 सीट अवेलेबल होता है, कोई भी ट्रेन में आप देखिएगा आपको 6 सीट आराम से मिल सकता है। देखिए सारा टिकट 4 तारीख 5 तारीख ख़त्म हो गया है पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में, और आपको 6 तारीख को देखिए मिल रहा, 6-7 तारीख को 6, मतलब एक भी टिकट इसमें से बुकिंग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लेडीज़ कोटा से टिकट बुक करना चाहते हैं तो ईजिली बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप महिलाएँ हैं लेडीज़ हैं, तो अगर आप ट्रेन में अकेले सफ़र करने वाले हैं तो आप ज़्यादातर टिकट लेडीज़ कोटा से बुक करिएगा तो आपको कन्फर्म सीट मिल जाएगा। अगर आप बाई द वे एक लेडीज़ और एक जेंट्स है और जनरल कोटा से टिकट वेटिंग लिस्ट चलता है, तो आप लेडीज़ का एक कंफर्म सीट ले लीजिए और उसके साथ काउंटर से वेटिंग टिकट लेके आप लेडीज़ के साथ में यात्रा कर सकते हैं। और लेडीज़ के साथ में अगर 1 साल से लेके 4 से 5 साल तक के अगर साथ में बच्चे हैं तो वो भी इस लेडीज़ के साथ में सफ़र कर सकते हैं। और अगर लेडीज़ बर्थ का बात करें तो लेडीज़ बर्थ लोअर, मिडिल, अपर तीनों में से कोई एक भी मिलता है, वो आपके सिलेक्शन के ऊपर होता है। अगर अवेलेबल 6 बर्थ अवेलेबल शो हो रहा है तो आपको 100% लोअर बर्थ मिलेगा अगर आप लोअर बर्थ चूज़ करते हैं तो, वरना 2 या 3 सीट अवेलेबल होता है तो उसमें मिडिल और अपर का चांस ज़्यादा होता है। सो आई होप कि आप सभी को मेरा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।